हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ्स पार्ट वन का, जिसको हम लोग एलजब्रा कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 3 क्वेश्चन है और साथ ही साथ उसके सब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा के देंगे। तो आइए बिना किसी देरी से आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कल एक लेक्चर शुरू किया था जिसमें मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट और डिटरमिनेंट और क्रैमर रूल एकदम आप लोग को एक्सप्लेन करके दिया था। आप लोग जाके उसे ज़रूर देखना, तभी आप लोग को आज की वीडियो समझ में आएगी। तो आइए हम लोग सीधा आज के प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। यहाँ देखिए आपको कुछ नंबर दिया है 3, 4, 2, 2, 5। ये जो दिया आपको, उसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, इसके क्या आंसर आएगा मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग कल क्या सीखे थे कि हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। जो देखिए 3 × 5, मतलब ये 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5, फिर 2 4 के साथ होगा तो 2, 3 5 जा तो बोलो दोस्तों 3 5 जा देखिए 3 × 3 = 15 दोस्तों। हाँ दोस्तों 3 × 5 = 15 -8 तो आपका आंसर आ गया 7। कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। देखिए हमने इसको कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट मेथड लगाया। आप लोग को ऐसे आप लोग के अपने फेयर बुक में या आपको जो नोट्स होगा उसमें ऐसे ही लिखने, बॉक्स बनाने, बॉक्स में आपको इस तरीके से फिलअप करके दिखाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, मतलब आपको इसमें डिटरमिनेंट मेथड को मेथड लगा के सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है -1, 7, 2, 4, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर टू का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, -1, 7, 2, 4, ये हमारा दोस्तों क्या है क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 × 4 -2 × 7, ओके दोस्तों। अभी यहाँ पर देखिए 4 1 जा -4 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए -± + तो यहाँ पे -± तो हो जाएगा 18। हमने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 14 जो बड़ा नंबर, इसके आगे सिग्नल माइनस का, इसके लिए हमने यहाँ पे -18 लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से इसका आंसर निकला है। आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्या है, 5 − 7 = 3, 0, इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 0 माइनस, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × -7 है ना दोस्तों। अब देखिए 5 × 0 तो हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ पे माइनस ऐसे रहेगा और 3 × 7 -21 दोस्तों, -21। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 26। कितना आंसर आ गया दोस्तों, हमारा 26 आ गया। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में थी तो यहाँ पे भी ये माइनस में इसका आंसर आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आप लोग को मुझे लग रहा है कि डर लगेगा। आप लोग में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे अरे बाबा अपन वाला कैसे करेंगे, बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है, आज का वीडियो देखो, सिर्फ देखो क्वेश्चन क्या क्या लिखा है, 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, ओके फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है। हमारा डिटरमिनेंट मेथड क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखो 7/3 × 1/2, फिर माइनस 5/3 × 3/2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखो 7 1 = 7, 3 2 = 6 माइनस, 5 3 = 15, 3 2 = 6। अगर अब दोस्तों आप लोग ध्यान से देखो तो इसका जो डिनोमिनेटर है 6 है,
यहाँ पे डिनोमीटर 6 है, मतलब यहाँ पे हम लोग 6 कॉमन में ले लेंगे, 7 माइनस 15। अच्छा बताइए, अब आप बताइए कि 15 माइनस 7 कितना होता है? 8 होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या की तरह माइनस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, हमें कोई एक ऐसा टेबल ले लेना है जिसमें 6 और 8 दोनों आते हो। तो देखिए, 2 के टेबल में आता है, देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 2 3 जा 2 2 2 4 जा 4 अपॉन 3, और ये यहाँ माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये इसका यहाँ पे आंसर निकल गया। और दोस्तों आप लोगों को आंसर किस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना ans 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, फिर -4/3। आपको इस तरीके से आंसर को लिख के दिखाना पड़ेगा, तो ये आपको आपका एग्जामिनर और आपके टीचर आपको मार्क्स देंगे और आपसे इम्प्रेशंस भी दिखाएंगे। तो आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन थे, मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दे दिया है, आप लोग समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड का है, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसको हम लोग को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 3x-4y 10, फिर 4x+3y = 5। ये हमें क्वेश्चन दिया है। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पे देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 में पहला आपको क्वेश्चन दिया है किस प्रकार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे और मेरे साथ आप लोग सॉल्व भी कर रहे हो। तो अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन को। तो अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे तो अच्छी बात है, देखिए नहीं तो देख लेना। यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे गिवन इक्वेशन, ये कैसे लेना है, क्यों लेना है, मैं कल बताया हूँ। आप लोग जाके देखिए, 3x-4y = 10, इक्वेशन 1, इसे हमें इक्वेशन 1 मानना है। फिर 4x+3y = 5, इसे इक्वेशन 2 मानना है हमें। दोस्तों इसे हमें क्या मानना है, इक्वेशन 2 मानना है। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड लगाना है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे, 3 4 दोस्तों, ओके। फिर ये -4 3, ये मैं कैसे लिया कल बताया था और आज भी बता रहा हूँ। हम लोग अभी डिटरमिनेंट निकाल रहे थे, सिर्फ इतने का ही वैल्यू कंसाइडर करते हैं। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3, फिर -4 × -4, फिर दोस्तों 3 3 जा 9, -+ और 4 4 जा 16, इज इक्वल टू दोस्तों आ गया 25, इज टू आ गया अपना 25। फिर अब हमें dx निकालना है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, dx निकालना है, मतलब इसका मतलब कि हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x का चीज़ भूल जाएंगे, हमें पता ही नहीं कि x के जगह पे क्या है। तो दोस्तों हम लोग x के जगह पे ये रखेंगे, ये जो इक्वल के साइड का नंबर इसे रखेंगे 10 5, फिर जो y था उसको वैसे ही रहने देंगे। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसको यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड लगाइए, 10 × 3 -5 × -4, 10 3 जा 13, 10 3 जा 13 -+ 20 = 50 आ गया। अच्छा, 30 + 20 = 50, आप लोग करके देख लेना। फिर डी वाई निकालने के लिए हमें इस वाई वाले नंबर को भूल जाना है, हमें अब वाई का आंसर निकालना है, तो हमें वाई को भूल जाना है। तो हमें क्या करना है, अब एक्स के नंबर को लेना है 3 और 4, और हमें अब वाई के जगह पे जो इक्वल टू के उस साइड नंबर है 10 और 5, उसको ले लेना है 10 5, इसको करो 3 5 जा -4 × 10, 3 5 जा 15, फिर -4 4 10 जा 40, = आंसर आ जाएगा -25। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x/dx/d, ये इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग को MCQ में भी पूछ सकता है। तो फिर क्या करेंगे, अब देखिए dx की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है dx की वैल्यू क्या है, 15, और d की वैल्यू 25। तो अभी आप देखिए, 25 1 जा 25, तो 25 2 जा 15, तो dx की वैल्यू मिल गई दोस्तों 2। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, तो सेम फार्मूला dy/d,
डी वाई अपॉन डी, यहाँ पे वाई की वैल्यू दिया है -25, इधर से ले लेंगे डी की वैल्यू 25 इज इक्वल टू आंसर आ गया -1। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा -1। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। और हमें फाइनल आंसर कैसे लिखना है, फाइनल आंसर हमें ऐसे लिखना है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या मिली 2, उसका -1। इस तरीके से हमें लिख के दिखाना पड़ेगा अपने एग्जामिनर को, तभी हमारा एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ भाई सामने वाले को सब कुछ आता है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 4x + 3y - 4 0 6 6x 8 -5। आप बोलोगे भाई ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो तीन तीन वेरिएबल इक्वल के इसी साइड दिया है, टेंशन मत लो दादा मैं सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ देखिए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या लिखा है 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। अगर आपको ऐसा इक्वेशंस कभी भी दिख जाए, अगर आपको ऐसा लिख के अगर बताए भाई आप क्रैमर रूल से सॉल्व करो, सबसे पहले आप इसको सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई कैसे करोगे, देखो ये 4x वैसे ही रहने दो, 3y वैसे ही रहने दो, अभी यहाँ पे इक्वल रखो, ये जो 4 इक्वल के साइड माइनस में इसको उस साइड भेजो, तो ये यहाँ पे माइनस है उधर हो जाएगा प्लस। अब इसको अगर 6x ऐसे रखो, अभी यहाँ पे जो 5y जो माइनस में था उसको इस साइड लाओ, यहाँ पे हो जाएगा +5y, और 8 को उधर भेज दो। 8 दोस्तों ऑलरेडी उधर था तो उधर ही रह गया, 5 उधर माइनस में था तो इधर लाके उसको हमने प्लस में कर लिए, ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो अब यहाँ पे लिखो गिवन इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है वो लिखो, 4x + 3y = 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन क्या है 6x + 5y = 8 इक्वेशन नंबर 2। अब हमें आगे की चीज़ सेम करना है, तो हमें डी की वैल्यू निकालना है, तो 4635। अगर दोस्तों आप लोग मेरे साथ कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, 4 5 जा फिर -6 3 जा, अब 4 5 जा 20 -6 3 जा 18। तो हमें डी की वैल्यू क्या मिल गई 2। अब हमें डी एक्स निकालना है, डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स का नंबर भूल जाए तो एक्स की जगह पर हमें इक्वल टू का नंबर लिखना है 4 8, और अब यहाँ पे वाई लिखना 3 5। तो देखिए 4 × 5 - 3 × 8, ये डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व हो रहा है, 4 5 जा 20 - 3 8 जा दोस्तों 8 3 जा 24, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। अब हमें डी वाई निकालना है, डी वाई निकालने के लिए हम वाई के नंबर को भूल जाएंगे, अब इसको और इसको ये याद रखेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 4 6 4 8। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 × 8 - 4 × 6, तो 4 8 जा 8 8 4 जा 32। ओके दोस्तों, फिर -6 4 जा 6 4 जा 24। अगर इसको आप 32 में से 24 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 8। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू dx की वैल्यू क्या है -4, और d की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो आ जाएगा -2। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन d फिर dy की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 2, इसको सिंपलीफाई करो तो y की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे हमें आंसर सिंपलीफाई करके मतलब एकदम लिखना है x, y = -2 - 2 - 2 4, ऐसा हम लोग को लिख के दिखाना है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ करके दिखा दिया, अब आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, मैं आप लोग को हो सके तो 5 करवा के देने की अपने तरफ से कोशिश करूँगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, x + 2y = -1 2x - 3y = 12। ये क्वेश्चन सिंपलीफाई करके दिया हुआ है, हमें सीधा इसका इक्वेशन ले लेना। तो यहाँ पे लिखो गिवन इक्वेशन, तो आप कैसे लिखोगे, x + 2y = -1 इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, फिर 2x - 3y = 12, इसे इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो दोस्तों।
अभी ये यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड लगा तो डी निकालो तो एक्स यहाँ पे लिखो, यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखोगे देखो, यहाँ पे एक्स दिया है, एक्स का मतलब क्या होता है वन, मतलब अगर कोई भी दिया एक्स वाई जेड, अगर कोई भी वेरिएबल दिया है अगर उसका कोएफिशिएंट जीरो रहे तो समझ समझ लो कि उस वेरिएबल की जगह वन आएगा। तो यहाँ पर वन टू टू माइनस थ्री, ओके दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर वन इंटू माइनस थ्री, फिर माइनस टू टू जा, अब सॉल्व करते हैं। हाँ थ्री वन जा माइनस थ्री और टू टू जा फोर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, एक मिनट दोस्तों आप लोग को लास्ट में नहीं दिख रहा होगा। हाँ अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया सेवन, लेकिन बड़ी संख्या की तरह माइनस का साइन साइन था तो यहाँ पे आ गया माइनस। फिर डी एक्स निकालेंगे, और डी एक्स निकालेंगे तो एक्स का नंबर भूल जाएंगे तो इसको लेंगे माइनस वन ट्वेल्व, फिर इसको इसको ले लेंगे टू माइनस थ्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, माइनस वन इंटू माइनस थ्री, फिर माइनस टू इंटू ट्वेल्व। अब देखिए आप लोग को एक कन्फ्यूजन होगा, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों में आप लोग को माइनस मिलेगा, यहाँ पे भी माइनस मिलेगा, वहाँ पे माइनस मिलेगा। देखिए थ्री वन जा थ्री, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ट्वेंटी फोर माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी वन आ जाएगा, माइनस टू ट्वेंटी वन आ जाएगा। अब हमें डी वाई निकालना है, और डी वाई निकालने के लिए हम लोग डी वाई निकालने के लिए हम लोग वाई का नंबर भूल जाएंगे, तो हमें एक्स का काम है। तो वन, ये यहाँ पे हम लोग वन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ एक्स था, तो अगर कोई कोई भी अगर वेरिएबल रहे तो उसके जगह पर हम लोग वन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। वन टू, अभी ये ले लेंगे माइनस वन अपॉन ट्वेल्व, अब इसको सॉल्व करो, वन इंटू ट्वेल्व, फिर माइनस वन इंटू टू, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, फिर माइनस, फिर माइनस क्या हो गया टू वन जा टू, और टू वन जा टू, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे। ये देखिए ट्वेल्व, एक मिनट वहाँ आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, देखिए ट्वेल्व प्लस टू, ये कैसे हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसका आंसर आ गया फोर्टीन। मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन करके रख रहा हूँ वो उस चीज़ का आंसर है। अब हमें एक्स का नंबर, हमें एक्स फाइंड करना है, तो डी एक्स अपॉन डी, ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए डी एक्स का नंबर कहाँ है, माइनस ट्वेंटी वन और माइनस सेवन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, यहाँ पर सिर्फ थ्री लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस खुद कट जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा थ्री। अब हमें वाई निकालना है, तो वाई के लिए डी वाई अपॉन डी कितना है, फोर्टीन अपॉन माइनस सेवन, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर माइनस टू। और इसका फाइनल आंसर दोस्तों इस प्रकार रहेगा, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू थ्री कॉमा माइनस टू। इस तरीके से आप लोग को फाइनल आंसर इसका दिखाना पड़ेगा। अब आइए इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन वहाँ पे क्या लिखा है, सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इजल टू माइनस ट्वेल्व, एट एक्स माइनस थ्री वाई इजल टू माइनस टू। अब इसको सिंपलीफाई करने की ज़रूरत है नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, क्या लिखेंगे दोस्तों, गिवन इक्वेशन लिखें तो सॉल्व करेंगे, सी एक्स माइनस फोर वाई इजल टू माइनस ट्वेल्व, इक्वेशन नंबर वन मान लिए, फिर एट एक्स फिर माइनस थ्री वाई इजल टू माइनस टू को इक्वेशन नंबर टू मान लिए। अब यहाँ हम लोग डिटरमिनेंट मेथड लगाएंगे, सिक्स एट माइनस फोर और माइनस थ्री, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स इंटू माइनस थ्री, फिर माइनस एट इंटू माइनस फोर, सिक्स थ्री जा माइनस एट्टीन, फिर माइनस माइनस प्लस, एट फोर जा थर्टी टू, एट फोर जा थर्टी टू। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्टीन। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हो अगर भरोसा ना हो तो। अभी हमें डी एक्स निकाला तो एक्स की वैल्यू हमें भूलना पड़ेगा, तो इसको लेना पड़ेगा माइनस ट्वेल्व माइनस टू माइनस फोर माइनस थ्री। यहाँ दोस्तों थोड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत होने वाली है, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ट्वेल्व थ्री जा ट्वेल्व जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस रहेगा टू थ्री जा सिक्स। तो देखिए थर्टी सिक्स में से अगर थर्टी सिक्स में से हम, एक मिनट, यहाँ पे टू रहेगा ना, टू यहाँ पे फोर रहेगा दोस्तों, सॉरी ट्वेल्व फोर जा एट, ट्वेल्व फोर जा एट। अब थर्टी सिक्स में से अगर हम एट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी एट। अब हमें डी वाई निकालना है, तो हम डी वाई कैसे निकाल लेंगे, अब हम वाई के अब हमें एक्स के नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिक्स एट
और इधर चला जाएगा माइनस टू, और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, 6 × -2 फिर माइनस 8 × -12। इसे सॉल्व करते हैं, 6 × 2 = 12 माइनस 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 प्लस, और 12 + 8 = 200 और 12 + 8 = 96 12 + 8 = 96 हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 84 ही इसका आंसर है। ये डी एक्स ए डी वाई का है, ये डी एक्स का और ये डी का, हम लोग को अब ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी कितना है, अभी डी एक्स 28 है और वो 40, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 हमारा 2 आंसर आ गया। अब हमें वाई निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी करेंगे, फिर 84 अपॉन 14 करेंगे तो देखिए 45 = 70 और 46 = 84, तो हमें 6 मिल गया। अब हमें इसका फाइनल आंसर यहाँ पर लिख के दिखाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लिख के दिखाता हूँ आंसर। x, y अब फिर 2, 6 इस तरीके से आप लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे दिया, 2 आप लोग खुद अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेना। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस 1.3 समझ में आया होगा, और मैंने आप लोग को पूरा उसको एक्सप्लेन करके देने की अपने तरफ से 100% कोशिश किया है। और दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री का जो 2 क्वेश्चन छोड़ा है, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, उसे आप लोग खुद ट्राई करना आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो थोड़ा सा वो अपॉन में आप लोग को दिक्कत देगा, आप लोग क्या करना, सबसे पहले उसको सिंपलीफाई कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं थी। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन ट्राई किए तो 2 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 1.3 प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, आपको समझ में नहीं भाई तुमने ये नंबर कैसे लिखा या कहीं तुमने कुछ मिस्टेक किया है, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, मिस्टेक हो सकता है, अगर कहीं कुछ भी गलती मेरी हो या तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी आप जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने की 100% अपने तरफ से कोशिश करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सीखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4 मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।